भारत सरकार यानी इंडियन गवर्नमेंट ने 2024 में पीएम इंटर्नशिप योजना की शुरुआत कर दी है, जिसमें आपको घर बैठे आप अप्लाई कर सकते हो और आपको हर मंथ 5,000 रुपए की राशि आपको मिलेगी, जो कि डीबीटी के माध्यम से सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएगी। तो कैसे इस योजना में आपको अप्लाई करना होगा, क्या इसका प्रोसेस होने वाला है, चलिए मैं इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में किसी भी क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और गूगल में टाइप करना है पीएम इंटर्नशिप स्कीम। जैसे ही आप यहां पर टाइप करेंगे, इस पर आपको क्लिक करना है। जो पहली वेबसाइट आपको देखने को मिलेंगी, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद पीएम इंटर्नशिप स्कीम का पोर्टल यहां पर लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद यहां पर मैं आपको बता दूं कि कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। उससे पहले दोस्तों, मैं आपको इसकी एलिजिबिलिटी बता देता हूँ कि कौन कौन इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली बात, वह स्टूडेंट जो कि 21 से 24 साल के हैं, वही सिर्फ जो है इस योजना में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर एजुकेशन में आप देखेंगे साइड में नॉन इनरोल्ड फुल टाइम, यानी कि फुल टाइम आपको नहीं देना होगा। उसके बाद देखिए जॉब स्टेटस नॉट एम्प्लॉयड फुल टाइम, फुल टाइम के लिए यहाँ पर कोई जॉब नहीं होने वाली है। उसके बाद दोस्तों, मैं आगे इसमें और भी कौन से फायदे हैं वो मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप कंटिन्यू देखते जाए अगर आप एक स्टूडेंट है तो। आपके फैमिली में कोई भी ऐसा मेंबर नहीं होना चाहिए जिसकी इनकम जो है 8 लाख रुपए से अधिक हो, और ऐसा कोई भी मेंबर नहीं होना चाहिए जिसकी गवर्नमेंट जॉब हो। अगर ये दोनों डिटेल्स है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ पीएम इंटर्नशिप के कौन से ऑफर्स यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। ये सबसे जरूरी चीज़ें हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12th मंथ के लिए रियल लाइफ एक्सपीरियंस इन इंडिया टॉप कंपनीज, इंडिया की जो टॉप कंपनीज हैं उनमें 12 मंथ के लिए आपको एम्प्लॉय के रूप में काम में रखा जाएगा और आपको सैलरी भी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, सैलरी के अलावा दोस्तों मंथली असिस्टेंट ऑफ 4500 रुपये यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको देगी, और 500 रुपये जो है जिस भी इंडस्ट्री जिस भी कंपनी में आप काम करेंगे वह सीधे आपके डीबीटी के माध्यम से सीधे आपके बैंक अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वन टाइम ग्रांट भी आपको मिलेगा 6,000 रुपये का, अगर कोई इंसिडेंटल केस होता है तो। ठीक है दोस्तों, 6,000 रुपये जो कि सीधे आपके बैंक अकाउंट में आएंगे, इस तरीके से ये लाभ आपको मिलेगा। और जो 4500 और 500 यानी कि 5,000 रुपये जो है आपको हर मंथली मिलेगा। उसके बाद साथ ही साथ आपका एक इंश्योरेंस कवरेज भी हो जाएगा जो कि जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत होगा, और बीमा योजना यानी कि सुरक्षा बीमा योजना के तहत होगा जो कि इंडियन गवर्नमेंट की जो है इंश्योरेंस कवरेज की योजना है। ठीक है दोस्तों, अब इस योजना की अगर डिटेल्स की बात करें, गहराई में आप जाएंगे तो यहाँ पर गाइडलाइंस दे रखी, इन गाइडलाइंस को आप जो है एक बार रीड कर सकते हैं। अगर रीड भी नहीं करेंगे तो वैसे भी मैं इस वीडियो में आपको डिटेल्स के साथ बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसमें कौन सी कंपनीज शामिल है। तो पार्टनर्स कंपनीज का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सी कंपनी जो है इस योजना में शामिल है। तो यहाँ पर आपको सारी कंपनीज के यहाँ पर नेम देखने को मिल जाएंगे, तो एक एक करके आप यहाँ पर देख सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस योजना में शामिल होने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर आपको देखिए आधार कार्ड की आवश्यकता होगी, एजुकेशनल सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी जिसमें कंप्लीशन या फाइनल एग्जामिनेशन असेसमेंट सर्टिफिकेट यहां पर लगने वाला है। उसके बाद आपका एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लगने वाला है इस योजना के अंदर, और सेल्फ डिक्लेरेशन जो है सेल्फ सफिस भी यहाँ पर आपको लगने वाला है। टोटल कुल मिलाकर के ये 4 डॉक्यूमेंट इस योजना में आपके लगने वाले हैं। इन 4 डॉक्यूमेंट को आप रेडी करके इस योजना में शामिल होने के लिए फॉर्म को अप्लाई करना है। अब बात ये करते हैं कि इस योजना में अप्लाई करने कैसे है, कैसे इस योजना में जो है अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसमें दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं साइड में रजिस्टर नाउ का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर क्लिक नहीं हो रहा है, क्योंकि दोस्तों ये जो योजना है ये 12 अक्टूबर 2024 को शुरू होने वाली है। अब तक ये योजना शुरू नहीं है, सिर्फ इसका पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर रजिस्टर नाउ के ऑप्शन पर क्लिक नहीं होने वाला है। जब 12 अक्टूबर 2024 के बाद यहाँ पर इस वेबसाइट पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक हो जाएगा और आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इस फॉर्म के भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है। उम्मीद करूंगा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में।